सो है गाइस, आज की इस वीडियो में गाइस यहाँ पर मारक्यू टीवी का यहाँ पर जो अनबॉक्स करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मारक्यू यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है और इस कंपनी के भी गाइस यहाँ पर जो एलईडी टीवी वगैरह लॉन्च होती रहती है। ऐसे में गाइस यहाँ पर जो है 32 इंच की यहाँ पर जो अभी एक सेल में चल रही थी गाइस एलईडी टीवी, तो इसको करंटली यहाँ पर मैंने जो मंगाया गाइस 32 इंच की है। ये एक स्मार्ट टीवी है गाइस, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं 24 वाट का जो है इसमें यहाँ पर आपको डॉल्बी साउंड देखने के लिए मिल जाता है। 250 nits brightness with backlight आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। स्मार्ट क्वालिटी टीवी है और क्यूड कोर प्रोसेसर के साथ ये आपको मिलती है। दोस्तों काफ़ी बजट फ्रेंडली टीवी है, जिनका बजट भाई इतना हाई नहीं है, तो दोस्तों आप इस टीवी को यहाँ पर जो है बाई कर सकते हो। फ्लिपकार्ट का ही यहाँ पर गाइस ये ब्रांड है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर अभी जो चल रहा है फ्लिपकार्ट में। यहाँ पर भी जो बिग मिलियन डेज की यहाँ पर जो है सेल चल रही है अभी भी फिलहाल में भी, तो उस समय गाइस यहाँ पर आप जो है इसको ऑर्डर कर सकते हो। गाइस ये एक स्मार्ट टीवी है 32 इंच का। अभी गाइस फिलहाल हमने यहाँ पर जो है इसे अनबॉक्स कर लिया है, अभी देखते हैं गाइस इसके साथ यहाँ पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलती है और डिस्प्ले यहाँ पर इसका जो है आपको कैसा देखने के लिए मिलता है और पिक्चर क्वालिटी कैसी देखने के लिए मिलती है। तो आगे वीडियो में यहाँ पर मैं जो है आपको सारी सारी जानकारी देने वाला हूँ। वॉल माउंट नाम का यहाँ पर जो एक डिब्बा देखने के लिए मिलता है, जिसमें गाइस यहाँ पर नट बोल्ट टीवी को दीवार पर सेट करने के लिए और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो एक नीचे सेट करने के लिए स्टैंड भी दिया हुआ है। यदि आप जो है इसे यहाँ पर नीचे भी सेट कर सकते हो टेबल पर स्टैंड की सहायता से। तो इस प्रकार से गाइस यहाँ पर इस टीवी का यहाँ पर आपको जो बैक वाला जो पैनल है गाइस वो देखने के लिए मिलता है और मेरे को गाइस यहाँ पर जो है बैक वाला है तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा गाइस कि इतनी बजट फ्रेंडली टीवी है और उस हिसाब से गाइस इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है यार मारक्यू वालों ने, काफ़ी अच्छा मेरे को ये पैनल लगा है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या पोर्ट इसमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके यहाँ पर बात कर लीजिए, यहाँ पर जो सीरियल नंबर वगैरह दिए हुए हैं गाइस और यहाँ पर जो है एक मारक्यू का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर जितना भी डिटेल्स है वो यहाँ पर जो है देख सकते हो। इसके बाद में बात करूँ पोर्ट्स की तो गाइस जिसमें यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर जो एक हेडफोन जैक का यहाँ पर जो है A4 दिया हुआ है, LN का है, HDMI 1 है, HDMI 2 है और SPDF का भी यहाँ पर जो पोर्ट इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में बात करूँ तो गाइस यहाँ पर जो है वीडियो AV-IN के लिए पोर्ट दिए हुए हैं गाइस और एक AR वाला पोर्ट है, वीडियो AV-IN 2 का पोर्ट दिया हुआ है, एक USB है, USB 2 है। तो ये सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं जो कि एक अवेलेबल रहते हैं सारे जितनी भी टीवी है। तो यहाँ पर जो है हेडफोन में गाइस यहाँ पर आपके पास यदि है होम थिएटर वगैरह जो भी है तो उसका भी यहाँ पर आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। हेडफोन का यहाँ पर जो है इसमें एक वो पोर्ट दिया है उसकी मदद से, अभी गाइस देख सकते हो। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है फ्रंट पैनल है वो देख सकते हो, मारक्यू का लोगो यहाँ पर आपको जो इसमें देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले तो गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी अभी लग रही है, लेकिन दिखने में किस प्रकार की लगती है तो आगे यहाँ पर मैं आपको जो है सारी जानकारी बताने वाला हूँ। और एक और बात गाइस यहाँ पर इसके जो है डिस्प्ले गाइस वो बेजल लेस डिस्प्ले है, यानी कि आपको जो है कोई भी कॉर्नर वगैरह जो भी बड़े बड़े हैं वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बस ओनली सारे के सारे डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। मारक्यू का यहाँ पर जो रिमोट भी साथ है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो मारक्यू का लोगो किस इस प्रकार का यहाँ पर जो रिमोट है और सेल भी यहाँ पर जो है इसके साथ दिए गए हैं। तो इसके बाद में बात करूँ तो अभी गाइस यहाँ पर मैंने जो है टीवी को ऑन कर लिया है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका लोगो आएगा जिस प्रकार यहाँ पर आप इसे जो है ऑन कर लेंगे। और अभी गाइस यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो अब यहाँ पर हम जो थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा गाइस इसे यहाँ पर लोडिंग होने देते हैं। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका होम पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई, जिसमें गाइस यहाँ पर ये स्मार्ट टीवी थी, इसमें यहाँ पर यूट्यूब है, सोनी है, जो भी है गाइस वो यहाँ पर आप जो चला सकते हैं। अभी गाइस यहाँ पर मैं जो इसमें आपको यूट्यूब चला कर बताने वाला हूँ कि इसकी यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो किस प्रकार की है। तो सिंपली से यहाँ पर मैं यूट्यूब की ओर जाता हूँ, तो यूट्यूब पर मैं आ चुका हूँ। तो नेटवर्क कनेक्शन के बारे में यहाँ पर बोल रहे, तो अभी गाइस मेरा जो है वाईफाई है वो उसको यहाँ पर मैं जो है ऑन कर लेता हूँ। ये देख सकते हो वायरलेस कनेक्शन, जस्ट इस पर आप क्लिक करो या ऑन, यहाँ पर पहले से ही है। तो यहाँ पर ये सर्चिंग कर रहा है गाइस मेरा जो वाईफाई है जिसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हो 1+Node। तो जस्ट यहाँ पर मैं जो है इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर जो है वाईफाई को कनेक्ट कर लीजिएगा। जिस प्रकार गाइस यहाँ पर आप जो है वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे तो गाइस यहाँ पर आप जो भी इसमें है देखना चाहे वो देख सकते हो, इसमें यहाँ पर प्राइम वीडियो जो भी है आप देखना चाहे वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो अवेलेबल है। तो यूट्यूब पर यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर जो है पिक्चर क्वालिटी सबसे पहले बात आ जाती है कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है टीवी की, तो अभी जो है उसको अभी यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर आपको बता देता हूँ और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चलाऊँ क्योंकि गाइस यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट का जो है इश्यू वगैरह हो सकता है। तो ये देख सकते हो नेटवर्क एकदम ओके है और YouTube यहाँ पर जो है अपना ओपन हो चुका है। तो जस्ट वेट गाइस, कोई सा भी यहाँ पर जो है वीडियो प्ले कर सकते हैं लेकिन देखना पड़ेगा। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर मैं जो है प्ले कर आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी को यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से गाइज मैंने इसे काफ़ी अच्छा चेक किया है, तो वीडियो क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगा है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।